हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें एक ही क्वेश्चन किया है कि एक्यूरेट टाइम हमें बताइए सर, जिसमें हम फिजिकल कॉन्टैक्ट करें और हमें प्रेगनेंसी भी ना हो। तो जितने भी कपल्स हैं ये जिन्होंने हमें क्वेश्चन किया है, उनके लिए ऑलरेडी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सेफ और अनसेफ डे का जो वीडियो है उसको देखें। प्लेलिस्ट में जाना है, वहां से सेफ और अनसेफ डे का ऑप्शन चूज करना है, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। वेल, जो एक्यूरेट टाइम है, यानी एक्यूरेट टाइम का यही मतलब है कि किन दिनों में हम मिले तो प्रेगनेंसी ना हो और किन दिनों में मिले तो हम प्रेगनेंसी हो जाए। ये दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको कभी जीवन में किसी दूसरे से पूछना ना पड़े। किसी भी लेडी में जो आने वाला पीरियड है वो जिस डेट में आएगा उससे 14 दिन पहले जो ओवुलेशन का डे होता है, यानी अगर उससे एक हफ्ते के अंदर आसपास आप मिलते हैं, यानी उस ओवुलेशन डे के 5 से 6 दिन पहले मिलते हैं या 4 से 5 दिन बाद तक मिलते हैं आप, तो प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। लेकिन अब ये प्रेजेंट महीने में तो आप इस रूल को फॉलो कर नहीं सकते, बिकॉज हो सकता है 4 से 5 दिन बाद ही पीरियड होने वाला हो या 10 दिन बाद पीरियड होने वाला हो। तो ये मेथड आप नेक्स्ट मंथ में फॉलो कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जब इस बार इतनी डेट को पीरियड आया तो नेक्स्ट मंथ इतनी तारीख को पीरियड आएगा, उससे 14 दिन पहले कौन सा दिन है, तो वो तारीख में आप ध्यान रखेंगे, वो आपके लिए परफेक्ट प्रेगनेंसी के दिन है। और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप उन्हीं दिनों को छोड़ देंगे, बाकी दिन आपके लिए सेफ है। लेकिन इसको एक्यूरेट तरीके से आप हमारे जो दूसरे वीडियोस है उसमें समझ सकते हैं जो प्लेलिस्ट में है, तो उनको जरूर देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहां मैंने एक ऑल ओवर नॉर्मल बताया है, इसमें आगे पीछे दिन होते रहते हैं बिकॉज पीरियड खुद स्टेबल नहीं होता है, वो भी 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे रहता है। तो उसी से लिए कहते हैं कि जब पीरियड होता है तो उसके जो बाद जो 8वां दिन है या 9वां दिन है, 9वें दिन से लेकर जो आगे का जो 20वां या 21वां दिन है वहां तक आपके लिए अनसेफ डे होते हैं, और उसके बाद और उससे पहले के सेफ डे होते हैं। लेकिन ये उसी कंसर्न में है जिनका पीरियड रेगुलर रहे और कम से कम 28 या 30 दिन का पीरियड हो, लेकिन उससे अगर कम का है तो फिर मेथड चेंज हो जाएगा और उसके लिए आपको फिर वीडियो में देख के समझना है। तो वेल, मैं समझता हूं इससे ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, आप पहले उनको देख लीजिए फिर आगे इस पर बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।